चौकीदार चोर बोलने पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए राजनीतिक मामले कोर्ट तक नहीं लाने का आदेश दिया। वहीं राफेल मामले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दी। उसके बाद भाजपा द्वारा राहुल गांधी से आम जनता से सार्वजनिक माफी मांगने को लेकर प्रदर्शन जारी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बावजूद इसके केंद्र के आदेश पर प्रदेश सहित देश भर में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर के नारे लगवाने और चौकीदार चोर कहने पर माननीय न्यायालय द्वारा फटकार लगाने और राहुल गांधी के राफेल मुद्दे पर देश की सुरक्षा पर सवाल उठाने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा क्लीन चिट देने के बाद भाजपा का राहुल गांधी पर गुस्सा फूट पड़ा। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को लेकर बड़वानी जिला मुख्यालय के कोर्ट चौराहे पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भगवान सदनानी, विधायक प्रेम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर नारेबाजी की। रफाल डील को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विगत 4 वर्षों से देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि रफाल की खरीदी में कहीं किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बावजूद उसके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर छींटाकशी की, चौकीदार को लेकर के अपमानजनक शब्द कहे और इसको लेकर के उन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और उस सुप्रीम कोर्ट में जो वो याचिका दायर हुई थी परसों 14 तारीख को उस पर निर्णय आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ये बेमतलब की ये याचिका दाखिल की गई है, इसमें कहीं कोई सार नहीं है और ये ऐसी याचिकाएं लगा करके कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस कोर्ट का समय नष्ट न करे, अर्थात उनकी सारी याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। इसको लेकर के जब पूरे देश में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया, उन्होंने देश को शर्मसार करने का प्रयास किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हर जिला स्तर पर आज हम प्रदर्शन करके राहुल गांधी से मांग करेंगे कि वो नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता से माफी मांगे जो उन्होंने टिप्पणी करके इस देश को कमजोर करने का प्रयास, सुरक्षा के मामलों में जो उनको गंभीरता बरतनी चाहिए उसमें उन्होंने जो लापरवाही की है और लगातार उन्होंने नौसिखिया होने का अपना परिचय दिया है, वो देश से माफी मांगे, नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ अपने आंतरिक लोकतंत्र के अंतर्गत मंडलों के चुनाव में संलग्न है, बावजूद इसके केंद्र ने तय किया कि इस 15-16 तारीख में ही भले चुनाव चल रहे हो लेकिन हमको प्रदर्शन करना है। आज बड़वानी जिले के सब कार्यकर्ता यहाँ जो मंडल चुनाव के समय उपस्थित हुए, सभी कार्यकर्ताओं ने यह उपस्थिति दे करके राहुल गांधी और कांग्रेस को चेताया है कि अगर इस तरीके से उन्होंने माफी नहीं मांगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है आगे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो। इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी को नौसिखिया बताते हुए पीएम मोदी सहित देश की जनता से माफी मांगने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमान न्यूज, बड़वानी।